हाय फ्रेंड, मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है ना घर के बोर्ड को कैसे फिटिंग करते हैं वो बताऊंगा। तो देखिए, अभी ये जो है मेरे पास कुछ सॉकेट्स हैं एंड स्विच है और एक बोर्ड है, छोटा सा बोर्ड है। इसे फिटिंग करना है तो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो देखिए, ये जो सॉकेट है आप ब्रांडेड सॉकेट यूज़ कीजिए फ्रेंड, क्योंकि क्या होता है कि घर में जो भी चीज़ें हम लगाते हैं वो बार बार चेंज तो नहीं करना है ना, इसलिए कोई भी ब्रांडेड चीज़ को आप यूज़ करोगे ना तो वो अच्छा होगा आपके लिए और जल्दी इन फ्यूचर ख़राब नहीं होगा, लॉन्ग लाइफ होगा, तो उसकी वजह से आप प्रॉब्लम ज़्यादा फेस नहीं करेंगे। तो इसलिए ब्रांडेड चीज़ों का यूज़ कीजिए, ठीक है? उसके बाद जो देखिए, अभी हम फिटिंग कर लेते हैं बोर्ड को, तो इसे कैसे कटिंग करना है मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। ये सारे स्विच और सॉकेट्स है जो ब्रांडेड हैं, ठीक है? अभी एक लेवल में आपको इसे ऐसे सेट करना है जहाँ पर भी आपको फिटिंग करनी हो, जिस बोर्ड पर भी आप फिट करना चाहो उसे एक लेवल पे सेट कीजिए, ठीक है? और सीधा रखिए, ध्यान इस बात का दीजिए कि जो डिज़ाइनिंग हो वो एकदम बिल्कुल सीधी हो, ठीक है? तो अभी ऑलमोस्ट मैंने सेट कर लिया है, तो ये जो है ना मार्क करेंगे। मार्क कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको इंटरनल जो पॉइंट दिख रहा है ना, इंटरनल पार्ट जो उभरा हुआ पार्ट है सॉकेट का, उस लाइन पे लेना है। जैसे देखिए मैंने अभी लिया ये लाइन पे, ठीक है? ये अंदर के जो पार्ट है वो बाहर आउटर लाइन पे नहीं लेना है आपको, इंटरनल जो पार्ट उभरे हुए हैं ना वहाँ से लेना है। देखिए यहाँ यहाँ, अब किसी पट्टी के हेल्प से ना आप उसे लाइन को सीधा कर सकते हो, ठीक है? तो मैं सीधा कर लेता हूँ उसे, इस तरीके से सीधा करना है आपको। इस तरीके से आप कोई भी बोर्ड की फिटिंग कर सकते हैं, ठीक है? अभी देखिए ऑलमोस्ट हो गया। अब इसे कटिंग कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको ऐसे एल टाइप का दो शेप देना है दोनों का अपोजिट कॉर्नर पे, ठीक है? इस तरीके से। उसके बाद जो एक कट करना है आपको, एक्सो ब्लेड से आप कट कर सकते हो। कटिंग करने के बाद आपको सेटअप करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे फाइल से रफ कर सकते हो। फाइल से रफ करने से स्क्रेच ख़त्म करने पर जो है ना वो प्रॉपर सेट हो जाएगा और फिर आप उसे फिटिंग कर सकते हो, ठीक है? देखिए ऑलमोस्ट अभी सेट हो चुका है, तो अभी हम स्क्रू टाइट करने के लिए वहाँ मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद जो है ना आप ड्रिल मशीन नहीं तो शोल्डर से भी जो है ना वहाँ पे होल कर सकते हो। इस तरीके से आपको होल करना है और उसके बाद नट बोल्ट से उसे टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद जो है ना आप देखिए इस तरीके से आप उसे टाइट कर सकते। तो फ्रेंड देखा आपने, आपको जो है फेस और न्यूट्रल दो लाइन मिलेगी। फेस आपको उस सॉकेट पे जो वायर मैंने छोड़ रखा है, न्यूट्रल आपको वहाँ लगाना है उसके साथ अटैच करके, सॉकेट का वो जो पिन खाली वहाँ लगाना है। और फेस जिसमें टेस्टर ब्लिंक करता है वो स्विच के नीचे लगेगा, तो ऑन ऑफ करने पे सारी सॉकेट्स जो है वर्क करेगी। और उसके बाद जो है ना इस तरीके से आप जहाँ पे भी चाहो बोर्ड को फिटिंग कर सकते हो। अलग अलग बोर्ड के अलग अलग कनेक्शन है, मैं इन फ्यूचर आपको बताऊँगा वो, ठीक है? तो अभी आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और इन फ्यूचर आप हमारे वीडियोस को देखना चाहते हो इलेक्ट्रिकल या मोबाइल रिपेयरिंग के,
टेक्निकल वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे टेक्निकल अपडेट अपने इस चैनल पर डालते रहता हूँ, जिससे आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।